भाषा का मेला। भाग चार, अरे वाह दोस्तों, आज तो तुम भाषा के मेले में चलने को पहले से ही तैयार बैठे हो। अच्छा जरा बताओ तो, तुम्हें भाषा का मेला कैसा लगता है? अपने गुरुजी की मदद से हमें चिट्ठी लिखकर बताओ। और हाँ, भाषा के मेले में चलने से पहले मैं वही बात कह दूं, तुम जिन चीजों को जानते हो पहचानते हो उनके बारे में खूब बोलो, बताओ। हंसने की बात हो तो हंसो, हंसाओ, खेलों को समझो और गीतों को हमारे साथ गाओ। लो आया भाषा का मेला, 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 अलबेला भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला। चल भी बड़बड़ सबक अच्छी तरह याद कर ले से पहले कि भाषा जी आ जाए। हाँ तो क्या लगाया है? ये आ से अनार, आ से आम, और ये प से पतंग, और ब से बड़बड़। ओ बड़बड़ नहीं, बत्तख। दो बत्तख। हाँ ये ब से बत्तख। वाह जी जी भाषा जी, ये सारे चित्र आपने बनाए हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ लगाए हैं। बनाए तो छोटे छोटे बच्चों ने थे, वो कह रहे थे कि ये भाषा जी को दे दीजिएगा, इस पर नाम लिख दें। वो लाइए फिर मैं रख लेती हूँ, मैं उनके नाम लिखवा लूंगी। ठीक है। आज ये बताइए कि आज के मेले का क्या तमाशा है? तमाशा तो आपने खाली कर दिया, वैसे उधर वर्णमाला के बोर्ड में तमाशा होगा। आइए मेरे पीछे आ जाएं। आइए आइए भाषा जी आइए। ये रहा वर्णमाला का बोर्ड, अब इनमें से कोई अक्षर निकालिए। तो भाषा जी इनमें से एक जैसे अक्षर निकालने। ये कौन सा? हाँ ये रहा ये वाला च। अब इसके साथ मिलता जुलता अक्षर और कौन सा है? कुछ तो हड़बड़ से मिल रहे हैं, कुछ बड़बड़ से। हाँ अच्छा, आप निकाल रहे हैं। ये भी मिलता है बिल्कुल। ये भी मिल गया, ये तो है। मगर भाषा जी ये हैं क्या अक्षर? हैं कौन से? ये च, च, ज, ज, और ल। और ल? और ल? ये सिर्फ ल? और ल नहीं, ल, ल। आइए फिर अब इन्हें बना के दिखाइए। चलिए आइए। जी
अब बनाइए च। मुझे चाय बनाना है? चाय नहीं हजबत जी, च। अच्छा च, च। बड़बड़ देना भाई, चाय का सामान नहीं, च का सामान। ये लीजिए जी, ये बन रहा है च। ये इसके ऊपर लग गया ऐसे, ये बन गया च। आप तो बड़े होशियार हो गए, चाय तो बिल्कुल ठीक बना दिया आपने। अभी कहाँ, अभी तो आगे आगे देखिए मैं कितना होशियार निकलता हूँ। अच्छा आप ज बनाइए। ज, ये क्या बता, हाँ ज, वो तो बहुत आसान है। ये देखिए, इसको उल्टा के ऐसे कर दिया तो ये बन गया ज। नहीं हकबर जी, उल्टा तो करना है मगर इस तरह नहीं, च को इस तरफ उल्टा किया जाए तब ज बनता है। यही तो मैं कहने लगा था, आपने पहले ही पूछ लिया मुझे। इसको ऐसे ही लगे रहने देते हैं। अच्छा अब मैं, मुझे दूसरा सामान दीजिए। लीजिए बड़बड़ भाई, दूसरा सामान देना भाई। ये देखिए, ये दूसरा सामान लाइए। आप भी भूल गई हैं, आपने गलत सामान दिया। अच्छा वो सामान बड़बड़ भाई, बड़बड़ सामान ठीक दो भाई। ये बन गया ज। ज और अब ल। जी बनाइए। और ये बन गया ल, च, ज और ल। ठीक, ज से जलेबी और ल से लड्डू। ज से जलेबी और ल से लड्डू। मिठाइयों के अलावा और भी कुछ याद है हरबर जी? जी बिल्कुल याद है। दिखाइए फिर कुछ चीजें। आइए चलिए। आइए आइए भाई जी, ये लीजिए च से चम्मच। च से चम्मच जी, और च से मेरी चाची चमेली की चक्की। चाची चमेली की चक्की। और च से चटाई। च से चटाई। च से चना। च से चना। च से चप्पल। च से चप्पल। और च से चरखा। और च से चरखा जी। च से बहुत सारी चीजें नहीं हो गई हरबर जी, अब कुछ ल से भी तो बताइए। ल से लट्टू, गोल गोल घूमने वाला लट्टू। लट्टू जी। और ज से जग। ज से जग। और ज से जहाज, वो गया। वाह वाह क्या सुंदर जहाज, वो गया। बड़ा मन करता है जहाज में सैर करने, वो गया। हाँ हाँ हाँ, आप कभी हैं चली गई भाषा जी? आओ बच्चों, आओ आओ बच्चों, आओ चित्र लाओ नाम लिखाओ। आओ बच्चों, आओ चित्र लाओ नाम लिखाओ। आओ बच्चों, आओ चित्र लाओ नाम लिखाओ। आओ बच्चों, आओ। अच्छा तो आप चित्रों पर नाम लिखते हैं? हाँ। आप चित्र लाई हैं? हाँ, ये देखिए मेरी चित्रों की कॉपी, इन चित्रों पर इनके नाम लिख दीजिए। देखूँ तो आपने क्या बनाया है? अनार, आम, बत्तख, अरे वाह पतंग, तख्ती, तबला, पहाड़, लट्टू, चरखा, अरे वाह जहाज तो आपने बहुत सुंदर बनाया है। अच्छा तो अब इन पर इनके नाम लिख दीजिए। अभी लीजिए। अनार,
बत्तख। पतंग। तख्ती। तख्ती। तबला। अरे वाह, पहाड़ आ गए। पहाड़। पता बताऊं, पता बताऊं, पर मैं उसका नाम। अरे ये तो पहेली वाली सहेली की आवाज है। लाइए मेरी कॉपी दीजिए, मुझे वहाँ भी जाना है। ये लो। अच्छा, पता बताऊं, पता बताऊं, पर मैं उसका नाम छिपाऊं। सुनो पहेली ध्यान से, बुझो अपने ज्ञान से। पहेली का मतलब सवाल है ना? अच्छा तो पूछो पहेली। पर पहेली पूछने से पहले एक बात बता दूं, इन पहेलियों के जवाब तुम्हें इन अक्षरों या शब्दों से मिलेंगे। इन अक्षरों या शब्दों से? इनमें से अक्षर है ब, च, ल और क, और शब्द है पाला, वाला, बाला, ताला और काला, है ना? अच्छा तो अब पूछो पहेली। कुएं में ढूंढा, नदी में ढूंढा, जाकर मिला तालाब में, खोल मगर उसे तब पाए जब चाबी आई हाथ में। कुएं में ढूंढा, नदी में ढूंढा, जाकर मिला तालाब में, खोल मगर उसे तब पाए जब चाबी आए हाथ में। अच्छा मैं उस ब्लैक बोर्ड पर लिख के देखती हूँ। हाँ जाकर मिला तालाब में, इसका मतलब सबसे पहले मैं तालाब लिखती हूँ। ये त में लगी आ की मात्रा, ये ल में लगी आ की मात्रा, और ये ब बन गया तालाब। अब इसमें से कुछ ऐसा ढूंढ के निकालती हूँ जो चाबी से खुलता हो, और चाबी से खुलने वाली चीज है ताला। अरे हाँ, इसमें से अगर ब निकाल दिया जाए तो बचेगा ताला। इसका मतलब तुम्हारी पहेली का जवाब है ताला, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं पूछती हूँ दूसरी पहेली। चक्की, चकला, चश्मा, चरखा, बिन उसके कुछ काम न होगा। चकला केवल कला बनेगा, चरखा रखा रह जाएगा। चक्की, चकला, चश्मा, चरखा, बिन उसके कुछ काम न होगा। चकला केवल कला बनेगा, चकला केवल कला बनेगा, च कला। अरे हाँ, चकला में से च निकाल दो तो कला रह जाता है, और चरखा रखा रह जाएगा। चरखा में से च निकाल दो तो रखा रह जाएगा। इसका मतलब इस पहेली का जवाब है च, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब चलने से पहले मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच कर रखना, अगली बार के मेले में तुम मुझको उसका जवाब बताना। वो लड्डू में है, पेड़े में नहीं, लड़ने में है, झगड़ने में नहीं। लड्डू में है, पेड़े में नहीं, लड़ने में है, झगड़ने में नहीं। अच्छा मैं सोच के इसका जवाब अगली बार बताऊंगी। हाँ, और दोस्तों तुम भी इस पहेली का जवाब सोच के रखना।
अच्छा, तो फिर अगली बार मिलते हैं भाषा के मेले में।